नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शानी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्कशीट हमने स्टडी किसी और स्टेट में करा है और हम करंटली किसी और स्टेट में रह रहे हैं, तो हम अपना पासपोर्ट कैसे बनाएंगे, क्या हमारा पासपोर्ट बन सकता है या फिर हमें कुछ परेशानियां झेलना पड़ सकता है, ऐसा कमेंट्स बहुत सारे लोगों का देखने को मिला। अभी एक भाई का रिसेंट कमेंट्स आया था कि मैं आसाम से हूँ और करंटली मैं बिहार में रह रहा हूँ, तो क्या मैं अपना पासपोर्ट बनवा सकता हूँ, तो बनवा सकते हो, क्या क्या आपको ध्यान देना, वो सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपसे मांग सकते हो वो लोग, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ बिना देरी के। भाई अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैंने जो स्टडी करी थी 12th तक वो पूरा मैंने यूपी से करा था और रिसेंटली मैंने 12th के हिसाब से मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई करा था और मैं अभी करंटली रहता हूँ सूरत गुजरात में और यहाँ पर मैंने अप्लाई करा था। तो डॉक्यूमेंट मैंने क्या क्या दिया था, मार्कशीट मैंने लगाया था, तो मार्कशीट आपका किसी भी स्टेट का हो तो वो बस आपका ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डुप्लीकेट मार्कशीट होगा तो उस कंडीशन में आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, अटक जाएगा भाई, बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हमेशा आप ओरिजिनल मार्कशीट का ही यूज़ करें पासपोर्ट बनवाने के टाइम पर। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप पूरे इंडिया में कहीं से भी स्टडी करें हो, अगर आपने इंडिया में स्टडी करी है कहीं से भी तो आप मार्कशीट अपना यूज कर सकते हो, मैटर नहीं करता है कि वो कौन से स्टेट का है और आप कहाँ से अप्लाई करवा रहे हैं। अब बात रही अब कौन से स्टेट से आप हैं, जैसे कि मैं बताऊँ, मैं यूपी से मैंने पढ़ाई करी थी और मैं सूरत में बनवाया, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा जब आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो, तो इतना याद रखो कि जो एड्रेस प्रूफ है वो आप का होना चाहिए, मीन्स आपके फैमिली में किसी मेंबर के नाम से वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको रेंट एग्रीमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप रेंट एग्रीमेंट यूज़ करते हैं तो वो एड्रेस प्रूफ के तौर पर वो लोग यूज़ कर लेंगे। अब रही बात आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की, तो भाई आधार कार्ड पैन कार्ड आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ भी आपका प्रेजेंट एड्रेस आप दिखा रहे हो रेंट एग्रीमेंट वाला, वहाँ का ही आपका वो सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वोटर आईडी एंड पैन कार्ड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधार कार्ड वहाँ पर जाने के बाद वो लोग पूछते हैं भाई इसमें तो एड्रेस कहीं और का है, तो आप बोलते हो कि हाँ आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, तो उस कंडीशन में जो है आपका परमानेंट एड्रेस पर भी पुलिस वेरिफिकेशन होएगा, मींस आपका प्रेजेंट एड्रेस जहां पर आप रेंट पर रह रहे हो वहां पर तो होगा ही, और आपका परमानेंट एड्रेस जो अलग है वहाँ पर भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आधार कार्ड और वोटर कार्ड उसी जगह का रखिए जहाँ का आपका रेंट एग्रीमेंट है, अगर उस स्टेट का ही है रेंट एग्रीमेंट और वहीं का आपका आधार पैन कार्ड सारा एड्रेस है, तो आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं फेस करना पड़ेगा और इजीली आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, ये तीन डॉक्यूमेंट, और आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और इसी एनआर कैटेगरी में बनवाना है तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। बस भाई आप ये चारों डॉक्यूमेंट का यूज़ करके आप इजीली पासपोर्ट बनवा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा पासपोर्ट बनवाने में, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही रखने की सोचा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, मुद्दा नहीं था, ठीक है। और एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप हम दूसरे स्टेट से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी स्टेट से ऑल ओवर इंडिया में पासपोर्ट बनवा सकते हो, बट आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, सब के सब ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है, और कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करना पड़ेगा पासपोर्ट बनवाने के टाइम पर, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हो भाई, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके आप जरूर बताओ। और किसी कंट्री का अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कम्युनिटी टैब में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। और आपको किसी कंट्री का वीज़ा के ऊपर वीडियो चाहिए कि आपको खुद से अप्लाई करना है और उसके मैं एक ट्यूटोरियल लेके आऊँ, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो कि किस टॉपिक पर, किस कंट्री के का जो वीज़ा आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।